शहर में सड़कों पर बढ़ते गौवंश को हटाने व चाइनीज डोरबेल लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के खिलाफ आज शहर की समाज सेवी लोगों ने कैथल डीसी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में दो दिन पहले एक गौवंश ने एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह कुचलकर मार डाला था और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी स्थिति कैथल में ना हो, इससे पहले प्रशासन और सरकार को जगाना होगा। खुद भी मरते हैं। अभी कैथल में जुलाई का महीना है, अभी तक 11 से 12 गायों की मौत हो चुकी है और 6 से 7 व्हीकल जिसमें गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ये टूट चुके हैं। अभी डीसी साहब से मिले थे और हमारा एक सरकार से भी, प्रशासन से भी और नगर परिषद से एक सवाल भी है जिसका हमें अभी तक कोई उत्तर ही नहीं मिला। इसका ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी व्हीकल टूटती है या बाइक टूटता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि आम आदमी सड़क पर जा रहा है या उसकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अभी तक न तो प्रशासन ने, न ही सरकार ने इसका कोई हल ही नहीं निकाला, कोई उत्तर ही नहीं दिया कि कौन जिम्मेवार है, ताकि हम उसके आगे रो सकें जाके और अपनी बाइक या मोटरसाइकिल जो टूटी है उसका जुर्माना ले सकें। ऐसी कोई समाधान ही नहीं है। क्या डीसी साहब ने आश्वासन आपको दिया है? आज पहले तो हमने ये खून से लेटर लिखा था, दो मांग पत्र है हमारे, एक तो गोवंश को सड़कों से हटाया जाए और एक जो चाइनीज डोर है, चाइनीज डोर जो लोगों के गले में फंसती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग टूट जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है और आते जाते गले में फंस जाती है, और उसकी भी पाबंदी लगाई जाए। पिछली बार डी साहब ने एक्शन भी लिया था, कुछ पाबंदी लगाई थी, लेकिन लोग दुकानदार हैं फिर चलाने लग गए उसको। हमारे दुकानदारों से अपील है कि आपका बिजनेस भी ना खराब हो। पहले ये ब्लड से लेटर लिखा था तो डी साहब लेने से इनकार गए कि हम ऐसा लेटर नहीं लेंगे, तो फिर हमने पेन के साथ लिख कर दिया है और डीसी साहब ने हमारे सामने ही फोन किया है किसी अधिकारी के पास। 1 तारीख की दोबारा मीटिंग रखी है, 1 तारीख को 1 बजे मीटिंग है और उसमें हम ये मुद्दा रखेंगे। हमने 2021-2022 में दो दो दिन का, 1 दिन का धरना भी दिया था, शांतिपुर का धरना था, लेकिन कोई हल ही निकला। और कोशिश है हमारी कि इसकी समस्या को, लोगों की समस्या को उठाना सामाजिक लोगों का काम है, उसको दूर करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। तो वीडियो चल रही है 3 दिन पहले के कुरुक्षेत्र की और सभी के व्हाट्सएप में और टीवी पे दिखाई जा रही, बड़े बड़े आज तक चैनल भी वो दिखाई गई थी। हम इसी को लेकर चले कि ऐसा हादसा कैथल में न हो, चोट लग रही है, आदमी मर रहे हैं, ये भी है। और कहीं कोई गाय जैसे सड़कों पर बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि घर से अपनी खुद की स्कूटी लेकर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको व्हीकल दे रखी है, उनके भी डर रहता है कहीं कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। और कोई गाय ऐसे एकदम से आ गई, कोई बड़ा आदमी तो शायद संभल भी सकता है, लेकिन बच्चे संभलना बड़े मुश्किल है। तो ये भी विनती है कि जितनी भी सड़कों पर गाय हैं बेसहारा घूम रहे हैं, कैथल में 31 वार्ड हैं, 4 से 5 हजार गायें और ये सांड घूम रहे हैं, इनको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द इनको करे, अन्यथा 15 अगस्त के बाद हम सामाजिक संस्थाएं एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकती हैं। हमारी बातचीत चली हुई है, अभी हम प्यार से सबको समझा रहे हैं, लेकिन फिर हम रोज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसमें प्रशासन के भी कोई गुस्सा आएगा, हमारे को भी गुस्सा आएगा, तो हम बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, आज अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपायुक्त महोदय से आज मिले और हमारे मुख्य रूप से 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा था गोवंश की रक्षा और सुरक्षा हेतु, और दूसरा जो चाइना डोर से पतंग उड़ाए जाते हैं इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। आप सब साथी देख रहे हैं कि पूरे शहर में गोवंश सड़कों पर बैठते हैं, बारिश का जैसे मौसम है, मच्छर मक्खी इनको लड़ते हैं और उनसे बचने के लिए सड़क पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब रात के अंधेरे में आकर बैठते हैं तो फिर चलाने वाले को भी दिखता नहीं और उसके बाद फिर घटनाएं होती हैं, अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और साथियों, आपको पता है कि अगर बिना कागज के कोई बाइक चलाता है उसका तुरंत चलान कट जाता है, लेकिन यहाँ जो हादसा होता है इसका जिम्मेदार कौन है? जिसकी बाइक टूटी, गाड़ी टूटी, वो किसे हर्जाना ले जाकर, जिसको चोट लग गई, जो घायल हो गए, वो प्रशासन को कोई इनको व्यवस्था करनी चाहिए और गोवंश की रक्षा और सुरक्षा हेतु कोई ऐसा सुरक्षा स्थल बनाया जाए जिससे कि वो आगे क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि गांव में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये सनातन कुरुक्षेत्री घटना से तो जरूर सोचना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसी घटना कैथल में ना घटे। और इसी तरह जो चाइना डोर को यूज में करते हैं, पिछले साल आप साथियों पता होगा कि पुल पे एक बच्चे गुजर रहे थे तो चाइना डोर से गले में फंस गई और बुरी तरह घायल हो गया था वो, तो मैं समझता हूँ इससे प्रशासन को अब सबक लेना चाहिए। और जो चाइना डोर है इसके बजाय कच्ची डोर बरतो, कोई पतंग उड़ाने पाबंदी नहीं है, क्योंकि अगर 30 आएगी, 15 अगस्त आएगा, खूब पतंग उड़ेंगे, तो वो एंजॉय करें, मनाएं भी त्योहार को, लेकिन वो डोर सेफ हो, सेफ त्योहार हो और सेफ गोवंश हो और सेफ हम सारे सुरक्षित हो, इसी विषय को लेकर हम आए थे। धन्यवाद।